वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपका इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑरेंज फॉक्स रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें जो कि यहाँ पे पोको एम टू प्रो में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको एम टू प्रो जो कि 12.0.4.0 एंड्रॉयड 10 मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ मे का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो इस वीडियो में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और रूट कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है जो कि एम आई वाई वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है, बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको डेवलपर्स ऑप्शंस में जाना है जो कि देख सकते हो OEM अनलॉकिंग जो कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक जो कि मेरे डिवाइस का यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बूट लोडर अनलॉक कर लेना है, उसके बाद ही यहाँ पे आप कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो जो कि यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी TWRP रूट कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से कनेक्ट कर लेना है जो कि यहाँ पे सब फाइल्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा डिवाइस में। तो सिंपल अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से कनेक्ट करना होगा और फाइल ट्रांसफर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है PC में और PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, उसके बाद मैजेस मैनेजर ज़िप, मैजेस मैनेजर APK, रूट चेकर APK, यहाँ पे चारों फाइल को कॉपी कर लेना होगा अपने इंटरनल स्टोरेज में जो कि यहाँ पे पोको M2 प्रो इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना होगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट हो चुका है जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, मैजेस मैनेजर ज़िप, मैजेस मैनेजर APK, रूट चेकर APK। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस में आना है पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो सिंपल आपका यहाँ पे पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है PC में। PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को एक्सट्रैक्ट टू, उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का भी एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म टूल ओपन करना है, इसके अंदर और एक फोल्डर है इसको भी यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा जो कि देख सकते हो एक रैंडम नंबर, उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है जो कि यहाँ पे फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, देख सकते हो फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस, उसके बाद जो यहाँ पे रिकवरी है जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी फोल्डर ओपन करना है। इसके अंदर आप रिकवरी देख सकते हो, इसको ड्रैग करना है यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना होगा जो कि आपके डिवाइस में यहाँ पे रिकवरी फ्लैश हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रिकवरी फ्लैश हो चुका है और यहाँ पे जो PC का वर्क यहाँ पे खत्म हो चुका है। सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना होगा, डिवाइस में आना है पावर की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना होगा जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना है, वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो डिवाइस ऑफ हो चुका है, पावर की को यहाँ पे रिलीज करना है, वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि फुली बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है जो कि यहाँ पे लेटेस्ट और आपको यहाँ पे ऑफिशियल ऑरेंज फॉक्स रिकवरी मिल जाता है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हो सभी फाइल्स आपको यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को फ्लैश करना है और यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी ऑटोमेटिक फ्लैश होकर यहाँ पे रीबूट होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे फ्लैश होकर रीबूट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रीबूट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। उसके बाद यहाँ पे आप अगर अपने डिवाइस में रूट इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो मैजेस मैनेजर जिप को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, उसके बाद आपके डिवाइस में यहाँ पे रूट अनेबल हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, मैजेस मैनेजर जिप इंस्टॉल कर लेना होगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो मैजेस मैनेजर जिप यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो मैजिस मैनेजर जिप यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपका यहाँ पे रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपका डिवाइस बूट होगा, तो सिंपल आपको बूट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर एपीके दोनों को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। तो मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर एपीके दोनों को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर एपीके दोनों यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। फर्स्ट मैजेस मैनेजर को ओपन करना है जो कि यहाँ पे वर्जन 23 आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद रूट चेकर में जाना है और रूट चेकर को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल अग्री करना है, गेट स्टार्टेड करना है, उसके बाद वेरीफाई रूट करना है जो कि आपके डिवाइस में यहाँ पे देख सकते हो रूट यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, जो कि यहाँ पे परमिशन आपको ग्रांट कर देना होगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जाना है जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में, तो पावर की प्लस फ्लेम अप की दोनों को यहाँ पे प्रेसेंट होल्ड करना है। उसके बाद आपका डिवाइस ऑफ होगा, डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना होगा। उसके बाद वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी बूट होने तक। और यहाँ पे आप यही मेथड फॉलो कर सकते हो जो कि यहाँ पे MIUI 12 का कौन सा भी वर्षन के ऊपर, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी और यहाँ पे सिक्योर मेथड है। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यहाँ पे POCO M2 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।